इसी दौरान रानी क्या करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर महेश्वर की गला दबाकर हत्या कर देती है। हत्या की खबर जब महेश्वर के पिता को लगता है तो महेश्वर के पिता अपने बेटे के ससुराल जाते हैं। पुलिस आती है, आने के बाद में महेश्वर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और महेश्वर का पत्नी जो रानी कुमारी होती है उसको गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद में पुलिस महेश्वर के पत्नी से जब पूछताछ करती है तो महेश्वर आज की जो सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो घटना बिहार की है। बिहार का एक ज़िला है बेगूसराय, उसी ज़िले की एक लड़की होती है जिसका नाम रानी कुमारी होती है। वो रानी कुमारी की शादी समस्तीपुर ज़िले के महेश्वर राय से हो जाता है। शादी हो जाने के बाद में दोनों अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कुछ दिन बीतता है, उसके बाद में महेश्वर राय जो होते हैं वो कमाने के लिए कोलकाता चले जाते हैं। उनके कोलकाता जाने के बाद उनकी पत्नी जो रानी कुमारी होती है वो अकेला पड़ने लगती है और वो अपने ज़्यादातर समय मोबाइल पर यानी सोशल मीडिया पर बिताने लगती है। इसी दौरान रानी के मन में एक ख्याल आ जाता है, एक इच्छा जाग जाती है कि क्यों ना मैं भी वीडियो बनाऊं और मैं भी रील्स बनाऊं और सोशल मीडिया पर अपलोड करूं। इसी ख्वाहिश को पूरा करने में वो रानी कुमारी अपनी खुद की वीडियो बनाती है और इंस्टाग्राम पर अपलोड करने लगती है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है। महेश्वर जो कमाने गया था कोलकाता, रानी के पति, उसको पता लगता है कि मेरी बीवी वीडियो बना रही है तो महेश्वर अपने बीवी के पास फिर फ़ोन लगाता है और पूछता है कि देखो मैं जो सुन रहा हूँ क्या ये सही है। तो रानी बताती है कि हाँ ये सही है। तो महेश्वर उधर से बोलता है कि देखो ये जो तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है, लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन रानी इस बात से मानने को इनकार कर देती है। रानी बोलती है कि मैं वीडियो बनाऊंगी, जिसको जो कहना है वो कहने दे। इसी बीच रानी और महेश्वर के बीच कहासुनी होती है और रानी जो होती है अपने मायके बेगूसराय चले जाती है। जाने के बाद वहीं से वो वीडियो बनाने लगती है। कुछ दिन बीतता है तो महेश्वर कोलकाता से अपने गाँव आते हैं समस्तीपुर। आने के बाद में वो अपने ससुराल जाते हैं और रानी से फिर यही बात करने लगते हैं कि देखो जो हुआ सो हुआ, अब तुम ये सब काम छोड़ दो, जो बीत गया सो बीतने दो, अब ये काम छोड़ दो, ये लाइन गलत है। लेकिन रानी यह बात मानने से इनकार कर देती है और फिर बात दोनों के बीच बिगड़ने लगती है। इसी दौरान रानी क्या करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर महेश्वर की गला दबाकर हत्या कर देती है। हत्या की खबर जब महेश्वर के पिता को लगता है तो महेश्वर के पिता अपने बेटे के ससुराल जाते हैं और वहां जाते हैं तो अपने बेटे के लाश के रूप में पाते हैं। फिर महेश्वर के पिता जो होते हैं वहां का जो नज़दीकी थाना होता है उस थाने में जाकर ये शिकायत दर्ज कराते हैं। वहां से पुलिस आती है, आने के बाद में महेश्वर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और महेश्वर का पत्नी जो रानी कुमारी होती है उसको गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद में पुलिस महेश्वर के पत्नी से जब पूछताछ करती है तो महेश्वर के पत्नी बताती है, वो अपना जुर्म कबूल करती है कि हाँ मैं और मेरे बॉयफ्रेंड जो गांव का ही रहने वाला एक लड़का है, हम दोनों मिलकर अपने ही पति को गला दबाकर हत्या की है। हत्या का कारण पता लगाती है पुलिस तो यही निकल कर आती है कि इसका जो पति था रानी कुमारी का वो वीडियो बनाने से मना कर रहा था, जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं था। आज की कहानी यही थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।